खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाले नेता को उस समय लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा जब ये नेता लोगों से काम कराने के पैसे तो लेता रहा, लेकिन किसी का भी काम जब पूरा नहीं हुआ तो लोगों ने इस नेता की जमकर पिटाई कर दी। लोगों का कहना है कि इस नेता ने सभी लोगों से पैसे लिए हैं। पैसे देते ने इन्हें एक काम नहीं किया, 6 महीने हो गए ने साडा। किस कितने रुपए दिए? 3000 रुपया दिता इन्हें। किस चीज ली? डेड सर्टिफिकेट कटवाने वास्ते। बस क्या है, कमेटी के मेंबर हैं कोई? वही कहते हैं कि कमेटी के मेंबर है गया। सादे तो दुबारा उसके कारण के पैसे काम करवा नहीं सकता। कितने लोग हैं जिनसे पैसे ले रखे हैं इन्होंने? सारे खड़े ही नहीं, सारे 35,000 बस। 2 लाख रुपए और 2 चेक ले रखे लड़की के नाम के, और 2 लाख रुपया दुकान पे लगवा दिया। कहता है दुकान पे लोन होना है, 2 लाख रुपया दो, लेकर सामान और इकट्ठा करो। 2 लाख रुपया हमने दुकान पे लगा दिया। तो वहीं दूसरी ओर नेता अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को निराधार बता रहा है। फिलहाल पुलिस ने नेता को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कि जितने यहाँ आरोप लगे हैं सब निराधार हैं, ठीक है जी। ये बात जरूर है कि इन्होंने से कुछ पैसे मैंने ले रखे हैं, काम के आधार पर कुछ पैसे के। पहले ये खड़े हैं, मैं इसका सारा प्रूफ आपको दे सकता हूँ। आपको बता दें कि पीटने वाली औरतों ने नेता को पहले पानी पिलाया और फिर दे दनादन औरतों ने पिटाई करनी शुरू कर दी, और मौजूद लोगों ने भी नेता पर हाथ साफ करने में देरी नहीं लगाई। फिलहाल अब देखना होगा कि लोगों द्वारा नेता को दिए गए पैसे वापस कब मिलते हैं।